आज हम सीखने वाले हैं नेमिंग वर्ड्स, नाउंस। ओके यस कोलू, सो लेट्स स्टार्ट। नेमिंग वर्ड्स ए, लिसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको ध्यान से सुनना है और उसको आंसर करना है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। आपको आपका नाम कहना है। ओके, यू हैव टू टेल योर नेम। ओके, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपको ये बताना है। Which places do you like to visit? आपको घूमने के लिए कौन सी जगह पसंद है। Which is your favorite animal? आपका फेवरेट एनिमल कौन है। What do you like to eat? आपको खाने के लिए क्या पसंद है। What is your favorite toy? आपका फेवरेट टॉय क्या है। Do you write with a pen or a pencil? आप पेन से या पेंसिल से लिखते हो। All the answers are naming words. Naming words are simply names of anything. Now here it says, जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उस सब का आंसर वो होंगे नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज योर नेम, अगर मैंने कहा माय नेम इज संगीता, तो संगीता क्या है, नेमिंग वर्ड है। ओके, नाउ व्हाट इज नेमिंग वर्ड, सिंपली नेम्स ऑफ एनीथिंग। नाम होते हैं कोई भी चीज के, लाइक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ओके, तो व्हाट इज नेमिंग वर्ड, नाउन। ओके, एंड व्हाट इज नाउन, नेमिंग वर्ड। अब देखो यहाँ पे ये टीचर है और बच्चे हैं, बच्चे कुछ खेल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर प्लेइंग। नाउ हियर इज अ गेम, लेट्स प्ले। लेट्स इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस। ओके, सो लेट्स फॉर्म फोर ग्रुप्स। नाउ पिक अप एनी वन ऑफ द कार्ड्स। देखो यहाँ पे कार्ड्स में क्या क्या दिया गया है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। आप इस गेम के लिए कोई भी कार्ड यूज कर सकते हो या पेपर भी यूज कर सकते हो। आपको फोर ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, और कोई भी एक कार्ड उठाना है। राइट डाउन एज मेनी नेम्स एज यू कैन रिलेटेड टू योर कार्ड। यू मे डिस्कस विथ योर ग्रुप मेंबर्स। व्हेन यू फिनिश कॉल बिंगो, द ग्रुप विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विल विन। ना यहाँ पे आप ग्रुप बनाओगे और आपको जो कार्ड मिला है उसके हिसाब से आपको नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं यहाँ देखेंगे। ये देखो यहाँ पे है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। नेम किसी का भी नाम लिख सकते हो, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है अमित, है ना, उस तरीके से आप लिख सकते हो सीता, गीता। प्लेस, लाइक प्लेसेस के नाम लिख सकते हो, लाइक पुणे, मुंबई, आपके गांव का नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी प्लेस का नाम लिख सकते हो। ओके, एनिमल्स में क्या लिखते हैं, कैट और कोई भी एनिमल का नाम लिख सकते हो, लाइक डोंकी, डॉग, कैमल एक्सेट्रा। थिंग, नाउ थिंग में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक बैट, बॉल, टेबल, पेन, पेंसिल, पेपर, एनीथिंग। ओके, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है और जब हो जाए तो बिंगो कहेंगे। तो बिंगो बोलेंगे मतलब आपका काम हो गया है। आप एक और काम कर सकते हो, या तो आप लोग टाइमर लगा सकते हो, 2 मिनट का टाइमर या 2 मिनट वॉच में देखकर सब लोग लिखेंगे और 2 मिनट के बाद सब लोग स्टॉप कर देंगे। फिर देखेंगे कि किसने ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं, रिलेटेड वो राइट भी होना चाहिए। ओके, और सबसे ज्यादा वर्ड्स जिसने लिखे हैं करेक्टली वो विनर होंगे। ओके, तो इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हो। Now let's see what is happening here. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक टीचर है, इनके हाथ में एक छोटा सा प्लांट है। ये देखो एक बच्चा है यहाँ पे खड़ा कर रहा है और सारे दूसरे बच्चे खड़े होके क्लैप कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, let's see. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, read the following passage carefully, underline the names of people, places, things, fruits, etc. तो यहाँ पे आपको सारे नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज राजूस बर्थडे, ये सेंटेंस में नेमिंग वर्ड कहाँ पे है, राइट, राजू। तो हम राजू को अंडरलाइन करेंगे। राजू इज अ पर्सन, ही इज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल। वो क्या कर रहा है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। नाउ इन दिस सेंटेंस, ये जो वाक्य है इसमें नेमिंग वर्ड कहाँ पे है, क्या बता सकते हैं आप। Right, school is a naming word. Now next, his mother gives him a mango plant in a pot. तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसे mango plant देती है pot में। Now here in this sentence, which all words are naming words?
Right. Mother. Mango plant. Pot. ये सारे जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं. ओके. ऑल हिज फ्रेंड्स विश राजू इन द स्कूल. नाउ हियर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स इज अ नेमिंग वर्ड. राजू स्कूल हमने पहले ही कर दिया था तो हम वापस नहीं करेंगे. ओके. दे सिंग हैप्पी बर्थडे विद देयर टीचर. वे सब मिलकर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं टीचर के साथ. नाउ इन दिस सेंटेंस व्हाट इज नेमिंग वर्ड. Teacher is a naming word. Very good. Then the teacher takes them to the backyard and plants the mango plant there. अब टीचर जो है उन्हें backyard लेके जा रही है. अब school के पीछे लेके जा रही है जहाँ पे आंगन है. Okay, वहाँ पे उन्होंने mango plant लगाया है. Everyone claps for him. Everyone, now your children, everyone, क्या हम underline कर सकते हैं? नहीं, हम underline नहीं करेंगे. क्योंकि एवरीवन जो है वो नाउन नहीं है, वो है प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल दे, देम, हर, जो हम बाद में सीखेंगे. ओके. तो यहाँ पे देखो, ये जो है राजू है, इसका बर्थडे है, इसने बर्थडे ड्रेस पहना है. यहाँ पे क्या कर रहा है? एक गड्ढा कर रहा है. उसकी मम्मी ने जो प्लांट भेजा था वो टीचर के हाथ में है. अब वो मैंगो प्लांट यहाँ पे लगाएगा, फिर वो बड़े होकर ट्री बन जाएगा. राइट. देखो सब क्लैप कर रहे हैं, है ना ये अच्छी बात. प्लांट लगाना एक बहुत अच्छी बात है. हम सबको प्लांट लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, उसे बड़ा करना चाहिए. ठीक है, तो आज से हम हर पौधे पे और जब भी मौका मिलेगा एक प्लांट जरूर लगाएंगे, है ना. एक बार फिर से हम देख लेते हैं नेमिंग वर्ड्स. राजू, फूल, मदर, मैंगो, प्लांट, पॉट, फ्रेंड्स, टीचर, बैकयार्ड. ओके. तो यो लुक एंड से आपको देखना है और बोलना है. कोलू एंड चिल्ड्रन, आर वी रेडी टू रिपीट द वर्ड्स? यस टीचर. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे, टुडे, बर्थडे, बर्थडे, स्कूल, स्कूल, मैंगो, मैंगो, प्लांट, प्लांट, पॉट, पॉट, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, टीचर, टीचर, बैकयार्ड, बैकयार्ड, एवरीवन, एवरीवन. वेरी गुड कोलू एंड वेरी गुड चिल्ड्रन. और जिन लोगों ने नहीं बोला है वो नेक्स्ट टाइम जरूर बोलेंगे. ओके. इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है. और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आई लव लिटिल ये पोयम. ओके. अगर आज की वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो उसे शेयर कीजिए. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.